हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में गेट 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज ए लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड मास एम इज इन द स्टेट एट t is equal to 0, where psi naught and psi 1 are the ground and the first excited states. So the value of this in units of this at t is equal to 0 is, means जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मास m है, जिसकी हमें t is equal to 0 पे ये स्टेट दी हुई है। मींस एक ऑस्किलेटर है जिसकी हमको t इज इक्वल टू जीरो पे स्टेट दी हुई है, जहां पर साई नॉट और साई वन हमारा ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तब मेरे को एट t इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक तरह की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन की, यानी कि पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है इस यूनिट्स के फॉर्म में। तो ये था हमारा क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। हमको t इज इक्वल टू जीरो पे सिस्टम की स्टेट दी हुई थी, यह हमारे पास सिस्टम की स्टेट है। कैट साइन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू कैट साइन नॉट प्लस e की पावर i पाई बाई टू कैट साइन वन, और हमको फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन की, हमको ये फाइंड करना है, इसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो अब हम देखिए, हमारे पास कैट साइन तो है, हमारे पास कैट साइन है, हमको क्या फाइंड करना है, ब्रा साइन। तो ब्रा साइन को हम ऐसे लिख लेते हैं, इसके हम ब्रा फॉर्म लिख लेते हैं। तो क्या आएगी, साइन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू साइन नॉट प्लस e की पावर माइनस पाई बाई टू, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था, ब्रा फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, और ब्रा साइन वन। तो ये आ गया हमारे पास ब्रा फॉर्म और ये हमारे पास कैट फॉर्म। अब हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो हमारी पोजीशन होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर है जिसका फॉर्मूला ये है, क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू अंडर रूट एच कट अपॉन टू एम ओमेगा ब्रैकेट ए कैप प्लस ए कैप डैगर। हम इस अगले ए कैप को, यानी कि ये जो ए कैप होता है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, और ए कैप डैगर इसको हम बोलते हैं राइजिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर का मतलब होता है ये एक स्टेट को कम कर देता है, और राइजिंग ऑपरेटर का मतलब होता है ये एक स्टेट को बढ़ा देता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एन स्टेट है, अब मैंने एन स्टेट के ऊपर लोअरिंग ऑपरेट को ऑपरेट कर दिया, इस ए को मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करा, तो मेरे को एक आइगन वैल्यू मिलेगी, वो आइगन वैल्यू होगी अंडर रूट एन, और ये इस एन स्टेट को ए कम कर देगा एन माइनस वन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर। अब एक है हमारे पास दूसरा ऑपरेटर राइजिंग ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं ए डैगर। तो ए डैगर को जब मैंने एन के ऊपर ऑपरेट करा, एन हमारे पास एक स्टेट है, तो एक मेरे को आइगन वैल्यू मिलेगी जिसकी वैल्यू होगी अंडर रूट एन प्लस वन, और ये इस स्टेट को यानी कि एन स्टेट को एन प्लस वन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स ये हमारे पास एन था, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया एन माइनस वन में, ये हमारे पास n है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया n प्लस वन में। सपोज अगर ये हमारा जीरो होता तो ये इसको माइनस वन कर देता, अगर ये वन होता तो यहाँ पर जीरो आता, यहाँ पर टू होता तो यहाँ वन आता, ये एक स्टेट को कम कर देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ वन होता तो यहाँ पे टू हो जाता, अगर यहाँ थ्री होता तो यहाँ फोर हो जाता, ये एक स्टेट को बढ़ा देगा। अब हम इसमें कुछ कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास यह है, जब हम n स्टेट को n माइनस वन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, मींस जब n और n माइनस वन स्टेट का प्रोडक्ट होगा, इसको हम इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि n और n माइनस वन आपस में कैसी स्टेट है, ऑर्थोगोनल स्टेट है, तो ये हमारे पास आएगा जीरो। इसी तरीके से n n प्लस वन भी क्या होगा, जीरो, n माइनस वन n कितना होगा, जीरो, n प्लस n कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन एन एन एंड जब हमारी एक स्टेट एन दूसरी स्टेट भी कितनी है हमारी एन, तो ये हमारा कितना आएगा वन। इसी तरीके से एन माइनस वन कितना आएगा वन, और एन प्लस वन भी कितना आएगा वन, क्योंकि ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, ये हमारी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट, और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वो स्टेट होती है जिनका इनर प्रोडक्ट वन होता है, और यह हमारी ऑर्थोगोनल स्टेट
ऑर्थोगोनल स्टेट्स वो स्टेट्स होती है जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला कंक्लूजन, मींस अगर हम ये हमारे पास क्या है एन स्टेट और ये हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर, ये भी क्या है हमारे पास एन स्टेट। अब अगर मैं इस लोअरिंग ऑपरेटर को इस एन के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो देख तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी जीरो। तो ये जीरो कैसे आया, तो ये तो हमारे पास क्या रहेगा एन। अब मैंने इस ए और ए को मैंने ऑपरेट कराया किसके ऊपर एन के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर मैं ए को ऑपरेट कराया एन के ऊपर तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास ये, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट एन और एन माइनस वन ये आ गई। और ये अंडर रूट एन, अंडर रूट एन क्या है एक नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट एन बाहर आ गया और अंदर क्या बचा एन और एन माइनस वन ये बचा। अब एन और एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है यहां से देखिए एन एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है जीरो, तो इस केस में हमारा ये कितना आ गया जीरो। अब हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में देखिए क्या होगा, अब अगर मैं ए डैगर को इस एन के ऊपर ऑपरेट करता हूं यानी कि राइजिंग ऑपरेटर को इस एन के ऊपर ऑपरेट करता हूं तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए ये आएगा याला एन तो ऐसी रहेगा। अब इसको मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करा तो हमको क्या मिलेगा अंडर रूट एन प्लस वन, अंडर रूट एन प्लस वन और एन प्लस वन ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये अंडर रूट एन प्लस वन ये एक नंबर होगा तो ये नंबर हमारा बाहर आ गया, तो एन एन प्लस वन बाहर आ गया क्या बच्चा एन और एन प्लस वन ये बच्चा, ये वाला एन ये है और ये हमारा यहां से आ गया है, तो एन और एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी और एन प्लस वन की वैल्यू होती है जीरो, तो इसलिए ये भी हमारा क्या आ गया जीरो। मीन्स अगर दोनों स्टेट हमारी सेम है, दोनों स्टेट यहाँ पे क्या है सेम एन और एन और यहाँ पे ए ऑपरेटर आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो। इसी तरीके से एन और एन यहाँ पर है और यहाँ पे क्या हमारा ए डैगर है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो। मीन्स अगर मैं सेम स्टेट्स में लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूँ तब वैल्यू जीरो आएगी, उसी तरीके से सेम स्टेट में अगर मैं राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूँ तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी। इसका मतलब ये होगा कि किसी एन स्टेट में ए की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो जीरो होती है, उसी तरीके से किसी एन स्टेट में ए डैगर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी क्या होगी जीरो होगी। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था जिसको हमने समझ लिया है। अब हम अपना इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम पोजिशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारे पास ये है, यानी कि हमको ये फाइंड करना था तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये अंडर रूट स्क्वायर अपॉन 2m ये हमारा कांस्टेंट है तो हमने इसको बाहर लिख लिया है और अंदर क्या बचा अंदर हमारे पास ये टर्म बची। अब हमने इस टर्म को भी क्या कर लिया एक्सपेंड कर लिया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है साई ए साई और साई ए डेगर साई। अब हम सबसे पहले साई ए साई को फाइंड करते हैं, हमने इसको यहाँ पे फाइंड करा है तो अब हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं साई ए साइन की। अब हमारे पास जो इसकी ग्राफ फॉर्म थी हमने वो लगा दी इस साइन की, तो इसकी जो ग्राफ फॉर्म थी हमारे पास क्या थी वन अपॉन अंडर रूट टू साइन नॉट प्लस e की पावर माइनस आई पाई बाई टू साइन वन, तो ये हमारे पास ग्राफ फॉर्म है, ये हमारे पास ऑपरेटर है तो ए ऑपरेटर। अब हमने कैट फॉर्म लगा दी तो कैट फॉर्म हमारे पास क्या है वन अपॉन अंडर रूट टू कैट साइन नॉट प्लस e की पावर आई पाई बाई टू कैट साई वन। अब हम क्या करते हैं इनका इनर प्रोडक्ट करते हैं, तो हमने क्या करा अब देखिए ये वन अपॉन अंडर रूट टू था ये वन अपॉन अंडर रूट टू था तो इनके हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या आया वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को मैंने पूरा बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, ये हमारा पूरा एक ब्रैकेट है हमने इसके बाहर लिख लिया वन अपॉन टू। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब हमने मल्टीप्लाई करी साई नॉट की इस साई नॉट से तो हमारे पास क्या आया साई नॉट ए साई नॉट, यहाँ पे ए आ रहा है बीच में तो साइन नॉट ए साइन नॉट। अब हमने साइन नॉट अब हमने इस साइन नॉट की मल्टीप्लाई करी है इससे कैट साई वन से तो हमारे पास क्या आया तो हमारे पास आया ई की पावर आई पाई बाई टू ब्रा साइन नॉट ए कैट साई वन। देखिए साई वन के बाद हमारे पास क्या है ई की पावर आई पाई बाई टू तो ई की पावर आई पाई बाई टू हमारे पास यहां से आया है तो यह आ गया हमारे पास साइन नॉट ए साइन वन। अब हमने इसकी अब हमने इस वाले फैक्टर की इस वाले फैक्टर की इससे मल्टीप्लाई करिए साइन नॉट से इस वाले से तो हमारे पास क्या आ गया देखो यहाँ पर है e की पावर माइनस आई पाई बाई टू ब्रा साई वन तो हमारे पास ये रहा a हमारे पास ये है और ये हमारे पास कितना है साइन नॉट तो ये आइटम हमारे पास यहां से आ गई। अब हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए k
टेट्स आई वन से, तो देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस आई पाई बाई टू है, यहाँ पे e की पावर प्लस आई पाई बाई टू है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, साई वन ए साई वन हमारे पास ये बचा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं कि हमने देखा था कि एन ए एन हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो उसी तरीके से साई नॉट ए साई नॉट भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि सेम स्टेटमेंट नॉरिंग ऑपरेटर क्या देता है, जीरो देता है। अब हमारे पास ये टर्म बची e की पावर i पाई बाई टू साई नॉट ए साई वन, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया, ये हमारा जीरो हो गई थी, पहली टर्म जीरो हो गई थी, दूसरी टर्म हमारे पास ये है और तीसरी टर्म हमारे पास ये है, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साई वन ए साई वन, और साई वन ए साई वन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि सेम स्टेटमेंट ए क्या देता है हमें, जीरो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो। अब हम सबसे पहले अब हम इसको फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो a है वो साई वन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और यहाँ पे a साई नॉट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो जब हम a a को साई वन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट वन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट वन, और ये a क्या करता है, एक स्टेट कम कर देता है, तो ये साई वन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, साई नॉट में, तो हमारे पास ये आ गया साई नॉट, जब हमने a को साई वन के ऊपर ऑपरेट करा तो हमको मिला अंडर रूट वन साई नॉट। अब इसी तरीके से जब a को साइन नॉट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे होता है अंडर रूट एन, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे कितना आ गया, जीरो। अब ये इसकी एक वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो कितना आएगा, साइन माइनस वन, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये टर्म तो हमारी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि अंडर रूट जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म भी हमारी कितनी हो गई, जीरो। अब हमारे पास सिर्फ यही टर्म बची, e की पावर i पाई बाई टू साई नॉट ए साई वन, हमारे पास ये बचा। अब हमने ए साई वन की वैल्यू क्या पुट कर दी, अंडर रूट वन साई नॉट। अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ए अंडर रूट वन साई नॉट पुट कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, वन अपॉइंट टू ई की पावर आई पाई बाई टू अंडर रूट वन साई नॉट साई नॉट, और यानी टर्म हमारे पास जीरो थी, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया, तो हमारे पास कितना बचा। अब देखिए साई नॉट हमको क्या देगा, वन देगा, क्योंकि एन एन क्या होता है, वन होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आया, वन अपॉइंट टू ई की पावर आई पाई बाई टू, ये आ गया हमारे पास। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी निकल के आई, जब हमने साई ए साई को, ये हमारे पास वैल्यू आई है साई ए साई की इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ई की पावर आई पाई बाई टू, और ई की पावर आई पाई बाई टू कितना होता है, आई होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ई की वैल्यू आई पाई बाई टू फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा हमारे पास, ये ई की पावर आई पाई बाई टू, इसकी वैल्यू होगी कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आई, तो यहाँ से हमारे पास आई आ गया है, तो साइन ए साइन की वैल्यू कितनी आ गई, आई अपॉन टू, तो हमारे पास कितना आ गया, आई अपॉन टू, ये वैल्यू हमारी आ गई है ए साइन साइन की। अब हम फाइंड करेंगे ए साइन डैगर साइन, तो अब हम फाइंड करते हैं अपनी सेकंड टर्म साइन ए डैगर साइन को, तो हमारे पास सेकंड टर्म है वो है साइन ए डैगर साइन। अब हमने इसकी ग्राफ फॉर्म को यहाँ लिख लिया, ये हमारे पास ग्राफ फॉर्म है, फिर हमारे पास है ए डैगर, और ये हमारे पास क्या है, कैट फॉर्म। अब हमने उसका उसी तरीके से मल्टीप्लाई करा है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे ए था, यहाँ पे सब में ए डैगर आ जाएगा, ए डैगर ए डैगर ए डैगर और ए डैगर, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये टर्म सेम है, तो ये कितना देगा हमको, जीरो, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो, और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि एन ए डैगर एन कितना होता है, जीरो, यानी कि सेम स्टेट में क्या उसकी वैल्यू होती है, जीरो होती है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म जीरो और लास्ट टर्म क्या हो गई, जीरो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ई की पावर आई पाई बाई टू साइन और ए डैगर साइन वन, e की पावर माइनस आई पाई बाई टू साई वन ए डैगर साई नॉट, हमारे पास ये टर्म बची। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे ए डैगर साई वन और ए डैगर साई नॉट, तो ए डैगर साई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट वन प्लस वन साई टू, क्योंकि जो हमारे पास ए डैगर एन होता है, ए डैगर एन इसकी वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट एन प्लस वन और एन प्लस वन, मीन्स ये एक स्टेट को बढ़ा देता है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी थी, वन, तो यहाँ पे कितना हो गया, अंडर रूट वन प्लस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन टू, क्योंकि एक स्टेट को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो कितना आएगा अंडर रूट टू साइन टू, तो ए डैगर साइन वन की वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट टू
साइन टू। उसी तरीके से ए डायगर साइन और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जीरो प्लस वन साइन वन। ये भी एक स्टेट में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कितना आ गया अंडर रूट वन साइन वन। तो ए डायगर साइन नोट की वैल्यू कितनी है अंडर रूट साइन वन। अब ए डायगर साइन वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और ए डायगर साइन नोट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया वन अपॉन टू, यह आ गया जीरो हमारे पास रहता, सॉरी मैंने उसको ऐसे लिख दिया है। तो ये कितना आ गया e की पावर i पाई बाई टू अंडर रूट टू साइन नॉट साइन टू, क्योंकि यहाँ पे हमने ये a डायगर साइन वन की वैल्यू पुट कर दी तो हमको ये टर्म मिली, और यहाँ पे हमने a डायगर साइन नॉट की वैल्यू पुट कर दी तो हमको ये टर्म मिली। अब देखिए यहाँ पे साइन नॉट और साइन टू आ रहा है, तो ये टर्म भी क्या हो गई जीरो, तो ये हमको क्या देगा जीरो, और यहाँ पे कितना आ रहा है साई वन, तो ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, क्या बचा e की पावर माइनस आई पाई बाई टू। तो हमारे पास कितना आ गया वन अपॉइंट टू, पहले से चल रहा है तो वन अपॉइंट टू e की पावर माइनस आई पाई बाई टू, और e की पावर माइनस आई पाई बाई टू का मैंने एक्सपेंड कर लिया, तो कितना आ गया वन अपॉइंट टू कॉस पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो क्या बचा माइनस आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई साइन ए डायगर साइन की वैल्यू आ गई हमारे पास आई माइनस आई अपॉन टू। तो साइन ए डायगर साइन की वैल्यू आ गई है माइनस आई अपॉन टू, और हमारे पास साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, अब हम यहां पे लगाएंगे, हमारे पास वैल्यू आई थी साइन ए साइन, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास आई पाई बाई टू, और हमारे पास वैल्यू आई है ए डायगर की, वो वैल्यू आई है हमारे पास माइनस आई पाई बाई टू। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, अब हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे चलेगा, क्योंकि हमको किसकी यूनिट में फाइंड करना है आंसर, इसकी यूनिट में हमको फाइंड करना है, तो ये टर्म तो ऐसी आ जाएगी अंडर रूट एच कट टू एम ओमेगा ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या है आई अपॉन टू, इसकी वैल्यू है आई अपॉन टू प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है आई पाई बाई टू, आई अपॉन टू इसकी वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया अंडर रूट एच कट टू एम ओमेगा इंटू जीरो। अब हमको आंसर किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करना है, इस यूनिट की फॉर्म में, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया जीरो, तो जीरो हमारा आंसर है जीरो, तो इस क्वेश्चन का आंसर था जीरो। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो गेट 2015 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा गेट 2015 में आया हुआ है। थैंक यू।